नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें 5 न्याय और 25 गारंटी के अलावा कुछ ऐसे वादे हैं जिनकी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है कि अगर वो सत्ता में वापसी करेगी तो नोटबंदी, राफेल सौदे, पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल समेत चुनावी बॉन्ड योजना की जांच कराएगी। इतना ही नहीं, इनके जरिए जिन लोगों को फायदा हुआ उनकी भी जांच कराई जाएगी और घोटालेबाजों को देश के सामने लाया जाएगा। साथ ही कांग्रेस ने यह भी कहा है कि उसकी पार्टी समेत जो भी नेता बीजेपी में गए हैं उनके भ्रष्टाचार के केस फिर खोले जाएंगे। इस मुद्दे पर सियासी घमासान मचा है। बीजेपी इस घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बता रही है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता मुकेश त्यागी और कांग्रेस प्रवक्ता शिशिर कौडिल्य और हमारे साथ है हमारे वरिष्ठ सहयोगी संदीप कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शिशिर जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। बड़ा ही डिटेल्ड मैनिफेस्टो है कांग्रेस का और इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसको क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार की मौजूदा नीतियों का विरोध पत्र है मैनिफेस्टो से कहीं ज्यादा। देखिए मुक्ता जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा ही से न्याय में विश्वास रखती, देश की जनता के साथ किस प्रकार न्याय हो कांग्रेस पार्टी हमेशा ही इस पर भरोसा करती रही। और मैं आपको बताऊं कि ये कांग्रेस पार्टी का न्याय पत्र है। घोषणा पत्र को बाकायदा न्याय पत्र की संज्ञा दी गई है, यानी कि हम किसानों के साथ न्याय करेंगे, हम मजदूरों के साथ न्याय करेंगे, हम बेरोजगारों के साथ न्याय करेंगे, हम महिलाओं के साथ न्याय करेंगे और वो उस देश के तमाम पहलुओं पे न्याय की बात करेंगे जिसमें कि देश चाहता है कि न्याय हो। अभी आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड की चर्चा कर रही थी, बहुत ज्यादा ये मसला उठा 2017 में। इलेक्ट्रोल बॉन्ड की शुरुआत जो है वो अरुण जेटली, दिवंगत नेता, बीजेपी के रहे तब वित्त मंत्री थे और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इस देश का एपेक्स कोर्ट और उसका ऑब्जर्वेशन है कि ये जो है कंप्लीट अवैध है। और इस प्रकार से आप जैसे डरा धमका करके ईडी, आईटी और सीबीआई का भय दिखा करके उस पर छापामारी करके और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदे की वसूली की है वो बेहद शर्मनाक है मुक्ता जी। और कांग्रेस पार्टी अब जब सत्ता में आएगी तो इलेक्ट्रल बॉन्ड और फिर नोटबंदी और राफेल सौदों में जो घपलेबाजी हुई है उसकी भी जांच करवाएगी। इसका भी कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र में बात रखी गई है। तो कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगारों के लिए इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने आज से शुरू में 2014 में जब सरकार आई थी भारतीय जनता पार्टी की, उस दौरान प्रधानमंत्री जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था और जगह जगह भाषणों में कहा था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार हम जो है वो अपने देश के युवाओं को देंगे। क्या हुआ? जो रोजगार थे 2 करोड़ रोजगार देने की बात तो दूर, दो जो रोजगार वर्तमान में थे उसे भी केंद्र सरकार लील ली और जो है पकौड़ा तलने का उदाहरण प्रधानमंत्री जी के द्वारा युवाओं को दिया गया। तो कुल मिलाकर के बेहद शर्मनाक बात है जो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बिहेव कर रही है इस देश के लोगों के साथ। और मैं आपको बताऊं मुक्ता जी कि हम लोगों ने, यानी कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगारों के लिए भी स्टाइपेंड की बात कही, कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के न्याय की भी बात कही है, कांग्रेस पार्टी ने मजदूरों के न्याय की भी बात कही है, कांग्रेस पार्टी ने किसानों के न्याय की भी बात कही है, किसानों के कर्ज माफी की भी बात कांग्रेस पार्टी ने की है। और वो तमाम अभी क्या हो रहा है आप देखिए ना कि किसान अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन करते हैं, दिल्ली आते हैं कोई अपनी मांग करने के लिए, भाई हमें क्या चाहिए, लोकतंत्र में ये अधिकार है उसका, संवैधानिक अधिकार, उसके रास्ते में कीले बिछाई जाती है, उसके ऊपर बाकायदा मुक्ता जी उसके ऊपर बाकायदा ड्रोन से आंसू गैस के बम्बार्डमेंट किए जाते हैं, उसको उसके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। कितने शर्मनाक बात है बताइए। चलिए, आप तो इन सारी बातों का जवाब सबसे पहले हम मुकेश जी से ले लेते हैं। मुकेश जी बताइए, शिशिर जी की बात पर आपका क्या कहना है?
देखिए हमारे बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी ने पहले कहा बंडल ऑफ लाइज, और कहते हैं एक अंग्रेजी में एक कहावत है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो जो इनका इतिहास है वो इतना संगीन है, जिस प्रकार से इन्होंने इमरजेंसी भारत में लगाई और किस प्रकार से जो बुनियादी हकूक थे उनको कुचला, लोगों की नसबंदी करवाई, और पीसा में मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उन्होंने बड़े बड़े लीडरों को दो दो साल के लिए जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया। 1984 सिखों को कुछ किस तरह से कुचला गया और तो ये इतिहास है इनका। बफोर्स में राजीव गांधी जी के ऊपर कितना लंबा केस चला, बफोर्स को लेकर के इनकी सरकार गिरी। उसके बाद आप देखिए 10 साल के इनके कार्यकाल में 9 मेगा स्कैम हुए। तो कहते हैं कि वो 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वादा था पार लगाने का और साजिश है नाव डुबोने की। जो कांग्रेस मैनिफेस्टो जो है, हम तो कर रहे हैं, ये करेंगे, और जब आपका अतीत देखते हैं तो नहीं कहीं महसूस होता कि इनकी कहने का कोई संकल्प है, इनकी कहने कोई विशिष्टता है। और यही कारण है कि जो इनके 400 से ऊपर नंबर आए थे, इनकी एक शाख थी पूरे देश के अंदर, वो घट करके 52 रह गए। कांग्रेस की तो ये हालत हो गई, और मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं जब कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस की करनी और करनी में इतना कमी है उसको लेकर के। अब आप देखिए मैनिफेस्टो के ऊपर जो है सिर्फ राहुल गांधी जी का फोटो है और मल्लिकार्जुन खड़गे का फोटो है। क्या सोनिया जी, अच्छा उनका किस अधिकार पर है? कांग्रेस ने तो बाजी मार ली मुकेश जी, अभी तक आप लोगों का घोषणा पत्र आया नहीं, कांग्रेस ने पहले ये बाजी तो मारी ली है। नहीं बाजी तो देखिए ऐसा है, कार्य उससे होता है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो ये हम लोग जो है बातों की नहीं खाते हैं, ये बातों के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं, और जनता को पता लग गया कि इनके बात जो है खोखले हैं, इनके चले हुए कारतूस से ये कुछ नहीं करेंगे। मुझे बताइए मध्य प्रदेश के अंदर कहा था इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 तक किसान के वेवर हो जाएंगे। इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल प्रदेश में लाकर के चुनाव जीता, आज क्या हो गया हिमाचल प्रदेश की स्थिति, 75,000 करोड़ का कर्ज जो है उनके ऊपर आ गया है, और वहां के कर्मचारियों को वेतन और उनको पेंशन नहीं मिल रही है। तो कहने और करने में बहुत फर्क होता है, मैं आपको तमाम उदाहरण दे सकता हूँ। राजस्थान के अंदर भी आप इनकी अराजकता देखिए, पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा थी राजस्थान के अंदर, सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्रिमिनल रेट राजस्थान के अंदर था। तो ये आपका अतीत से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो लात्मक दृष्टि से देखा जाए तो कांग्रेस जो है एक प्रकार से विफल पार्टी है, और उनका धीरे धीरे वर्चस्व हर जगह, उत्तर प्रदेश जहां से इनके तमाम पुश्तैनी प्रधानमंत्री आए हैं वहां पे आज उनकी स्थिति देख लीजिए, बड़ी मुश्किल से सपा के साथ इनका गठबंधन हुआ है, और अखिलेश यादव को वो बोलते हैं कमलनाथ जी कौन है अखिलेश पखिलेश। तो इंडिया गठबंधन के अंदर टीएमसी इनको गाली दे रही है, वहां पर कैलकाटा में इनका कोई गठबंधन नहीं हुआ, केरला में वायनाड में लड़ रहे हैं, केरला के पार्टी ने वहां पे अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। तो किस प्रकार की आपके इंडिया के गठबंधन ही आपको गंभीरता से ले रहे, तो देश का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखने के बाद प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि चुनौतियों को चुनौती देना हमारी ताकत है, हम दूसरों की तरह घोषणा पत्र जारी नहीं करते, हम संकल्प लेते हैं और उसे सिद्ध करते हैं, जब नियत सही तो नतीजे भी सही। शिशिर जी बहुत सारी बातें भी मैं बीजेपी के प्रवक्ता बंधु से सुन रहा था। मुक्ता जी कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है प्रधानमंत्री जी के लिए भी नोटिसेबल है। मुक्ता जी मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री जी कांग्रेस के घोषणा पत्र को देख करके और बड़े ही उनको ये फील हो रहा है कि मैं जनता को कब तक बेवकूफ बना पाऊंगा, जिस प्रकार से कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है। कांग्रेस का घोषणा पत्र इस देश की जनता को जो है वो मजबूर कर रहा है सोचने को कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान की नरेंद्र मोदी की सरकार उनके साथ किस प्रकार का छल कर रही है। उनके पास ना तो विजन है और ना ही कोई एजेंडा है। मैं एक सवाल करता हूं, ये बताइए कि ये जो घोषणा पत्र है, बेशक 5 न्याय 25 गारंटी की बात की गई है, लेकिन जो चीजें घोषणा पत्र में है वो साफ तौर पर लग रहा है कि कांग्रेस कह रही है कि जो बीजेपी ने किया है उसे हम पलट देंगे, चाहे वो अग्निपथ योजना को खत्म करने की बात हो, जाति जनगणना, अग्निवीर योजना, हाँ अग्निवीर योजना, जाति आधारित जनगणना हो, या शिक्षा नीति हो, सब में संशोधन करने की बात कर रहे हैं, साथ में ये बोल रहे हैं कि सारी जांच हम कराएंगे। तो क्या ये लग नहीं रहा है कि घोषणा पत्र से ज्यादा ये बीजेपी को टारगेट करने की चीजें इसमें डाली गई हैं, जिसको प्रमुखता से उठाया भी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, जो आम लोगों के लिए जो प्रावधान थे उससे ज्यादा राहुल गांधी ने इन
इन सब चीज़ों पे ध्यान लोगों का खींचा है और कहा है कि हम आएंगे तो हम ये कर देंगे, हम आएंगे तो ये कर देंगे। जो नेता हमारे गए हैं बीजेपी में उनके खिलाफ जांच शुरू हो जाएगी, तो ये क्या आपको लगता नहीं कि ये टारगेट करने की नीति है कि मतलब इस ये घोषणा पत्र? मैं बता रहा हूँ संदीप जी, बेसिकली क्या है, अभी जो पूर्व थल सेना अध्यक्ष थे जनरल नरवणे साहब, उनकी एक किताब आई जब फोर्थ स्टार ऑफ डेस्टिनी, शायद आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, चुकी किताब तो बैन कर दी गई। बेसिकली कितने लोकतांत्रिक हैं ये लोग तो समझ लीजिए, क्योंकि हमारे खिलाफ जो किताबें आईं, चाहे वो संजय बारू ने लिखा, चाहे वो शर्मिष्ठा मुखर्जी जी ने लिखा, वो किताबें कांग्रेस पार्टी ने किसी को बैन नहीं किया। कांग्रेस पार्टी देखिए कितना लिबरल है हमारी पार्टी, और हर चीज को अपनी आलोचना को भी कैसे बर्दाश्त करती है इसका अंदाजा लगाइए। कि हमने सबको कहा कि ठीक है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर छापा जो है वो संजय बारू ने लिखा, हम लोगों ने उसको कहा कि चलिए आप जो है वो निकालिए जो भी है, जिस प्रकार से मान लिया कि लोकतंत्र में लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन अभी क्या हुआ, नरवणे साहब की किताब द डेस्टिनी द फोर स्टार ऑफ डेस्टिनी, जो कि अग्निवीर योजना के रिगार्डिंग सवाल खड़े करती है, क्योंकि आपको पता है जब ये अग्निवीर योजना लागू हुई थी संदीप जी, तो उस दौरान ये थल सेना अध्यक्ष थे और उन्होंने इसमें मेंशन किया इस किताब में कि ये जो योजना है ये कहीं से भी मतलब इस देश के लिए उचित है क्या, हमारे क्या हमारे हम अप्रशिक्षित सैनिकों को एक प्रशिक्षित देश के सैनिक से भिड़ने के लिए भेज रहे हैं, क्या हम अपने लोगों की हत्या करवा रहे हैं जानबूझ करके, क्या कोई 6 महीने की ट्रेनिंग दे करके और उनको बॉर्डर पे, और अब तो ये बातें निकल के सामने आने लगी है कि सेना के अंदर भी दोयम दर्जे की स्थिति उत्पन्न हो गई है, सेना बड़ा ही अनुशासित ऑर्गेनाइजेशन। मुकेश जी आपकी बात का कुछ जवाब देना चाहते हैं, मुकेश जी बताइए। देखिए वही मैं कह रहा था कि अतीत से पता लगता है, प्रतिबिंबित होता है इनका आचरण क्या है। ये भूल गए हैं जब राजीव गांधी जी ने सैटनिक वर्सेस बाय सलमान रश्दी की किताब को बैन किया था तुष्टीकरण के चलते, किस्सा कुर्सी पिक्चर इन्होंने बैन किया था क्योंकि वो एमरजेंसी को एक्सपोज कर रही थी, इन्होंने किशोर कुमार के गाने को बैन किया था इंटरनेट रेडियो पे। अरे 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 फोर्थ स्टार डेस्टिनी, अरे पहले कि वो आप जो आप ये बताइए, सुन तो लीजिए, अरे आप सुनना ही नहीं चाहते आपका। देखिए शिशिर जी, बीजेपी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कर रही है, आप भी कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो इलेक्टोरल बॉन्ड में जो भ्रष्टाचार हुआ हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हमारे नेता जो बीजेपी में चले गए हैं जो अभी पाक साफ हो गए हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये पूरा मैनिफेस्टो अगर हम देखें तो एक बदले की राजनीति जैसा नहीं लग रहा है कि तुमने मुझे परेशान किया मैं तुम्हें परेशान करूंगा। इस घोषणा पत्र में यही लग रहा है कि ये बदले की राजनीति है बेसिकली, यो उसको ज्यादा टारगेट किया गया। हम तो मुद्दे की संदीप जी, हम तो मुद्दे की बात पे ध्यान रखिए, हम तो बदले की राजनीति कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ। ये देखिए घबराए हुए कितने कि अमेठी और रायबरेली में अब तक इनका कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर हुआ है, मतलब ये तो इनकी स्थिति है वस्तु स्थिति, और इनके इंडिया के गठबंधन इनको ही गाली देते रहते हैं, जिस गठबंधन को लेकर के इतना बड़ा इन्होंने शोर शराबा किया, क्या मिला इनको मुझे बताइए। अरे आप मत पूछे, लेकिन ये आपकी मनोस्थिति बताती है आप लोग कितने घबराए हुए हैं। मुकेश जी वैसे तो अभी आपके यहाँ से भी बहुत सारे कैंडिडेट नहीं दिखाए हुए, किसको कैंडिडेट डिक्लेयर करें, ये आपका क्या, ये आपका आपका प्रिविलेज है क्या, ये 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 तो इनकी पुश्तैनी सीट थी जहाँ पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपना वर्चस्व जमा रखा था, लेकिन वहां से अब लोकतंत्र में अब देखिए वहां के गए वायनाड गए हैं। मुकेश जी कांग्रेस का मैनिफेस्टो आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि चुनौतियों को चुनौती देना हमारी ताकत है, यानी उन्हें ये चुनौती लग रही है? नहीं देखिए मोदी जी को चुनौती मतलब इस तरह की बंदर घोड़की से मोदी जी तो डरते नहीं है, वो तो शेर की आवाज में बात करते हैं, दहाड़ते हैं और प्रतिज्ञा के साथ पूरे देश को अपनी गारंटी से वो कराते हैं और वो कार्यान्वित करके दिखा देते हैं। किस प्रकार से उन्होंने फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी देश को बनाई ये तो सामने जग जा रही है, स्टैटिस्टिक्स हैं, नंबर्स हैं उसके, तो आप ये बताइए कि किस जगह मोदी जी विफल रहे हैं, उनका पे कौन सा भ्रष्टाचार का मुकदमा आज तक भी दायर हुआ है, 10 साल हो गए उनको
प्रधानमंत्री बने हुए और कहीं पे भी रॉयट्स नहीं हुए हैं। पहले रॉयट्स जो है सर दिन रात सुबह शाम होते थे, कांग्रेस के टाइम में तो हिंदू मुस्लिम रॉयट्स की लाइन लगी हुई थी, बाटला पर सोनिया गांधी जी रोई थी। तो इस प्रकार अफजल गुरु को लेकर के इनके घड़ियाली आंसू बहाए थे, बुरहान वानी को लेकर के इनकी इनके दिल के अंदर तो इनके जो तुष्टिकरण की राजनीति भ्रष्टाचार की राजनीति थी, ये बताऊं ये जो मैनिफेस्टो है एक लाइन में मैं समाप्त कर देता हूं, भ्रष्टाचारियों को किसी प्रकार से भी बचाइए, ये इनका सारांश है पूरे इस मैनिफेस्टो का। और इस प्रकार की इंटरनेशनल बातें करते हैं मुकेश जी, मुझे बताइए जी, आपने जो एक लाइन में डिफाइन कर दिया आपने इनके मैनिफेस्टो को, वैसे ही राहुल गांधी ने भी अपने मैनिफेस्टो में एक लाइन में डिफाइन किया है। उन्होंने कहा है कि ये चुनाव संविधान लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास करने वाले और इन्हें बचाने की कोशिश करने वालों के बीच है। तो उन्होंने भी एक लाइन में डिफाइन किया है अपने मैनिफेस्टो को, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? ये उनका कहना है कि लोकतंत्र नष्ट करने वाले और बचाने वालों के बीच का चुनाव है ये। मैं ये कहना चाहूंगा जो आपातकाल लगाने वाला जिनका अतीत हो वो कम से कम डेमोक्रेसी पे ना बात करें। यूके और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाकर के इन्होंने क्या वक्तव्य दिए, वहां पे जाके कहा कि हमारी डेमोक्रेसी खतरे में, आप आकर के इंटरवीन करिए। और चाइना की इन्होंने तारीफ करी है, चाइना जैसे डिक्टेटर कंट्री की जहां पर कोई डेमोक्रेसी का डी भी नहीं है उसकी तारीफ करी, तो ये कहां पर डेमोक्रेसी और जनतंत्र की बात कर रहे हैं? मुझे ये बताइए यहाँ पे क्या कोर्ट स्वच्छंद नहीं है? जिस प्रकार से आज मुकदमे अभी हाल में ही संजय सिंह को वहां से किया गया, बेल मिली है, तो मुझे बताइए कहां पर हम लोग उसको पकड़ रखे हैं? इनको भी इनके फायदे के जजमेंट मिल रहे हैं, जुडिशरी से जजमेंट आ रहे हैं। हाँ, आप भ्रष्टाचार करेंगे, धीरज साहू जैसे 350 करोड़ रुपए जिनके घर पे पकड़ा गया, आपको तो वो ब्लैक मनी के आधार पे आप लोग की जिंदगी चल रही थी। अब ब्लैक मनी को हटाने के लिए डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ बोले, जीएसटी को बोले गुंडा, ये गब्बर सिंह टैक्स है, तो यही तो हमेशा आलोचना की फैक्ट्री लगा रखी है। और इस प्रकार से भारतीय राजनीति में इस प्रकार से काम नहीं होता। आपने कोई ठोस काम नहीं किया, आपके स्टेट में रूल थे, राजस्थान में आप थे, मध्य प्रदेश में आप थे, आपने मुझे बताइए ऐसा कौन सा काम करके दिखाया जिससे ये महसूस हो कि आप सचमुच में राष्ट्रभक्त हैं, आपकी डेमोक्रेसी है? तो वहां पर लाल किताब को लेकर राजस्थान में किस प्रकार से उस एमएलए की सब फजीहत की गई, तो आप डेमोक्रेसी की बात करने चले हुए हैं जहां डेमोक्रेसी को कुचल के रख दिया इन लोगों ने। आप इतने दावे कर रहे हैं कि आप पाक साफ हैं, कोई ईडी कोई वो नहीं, हम डेमोक्रेसी के रक्षक हैं, लेकिन आप ही के सरकार में मंत्री हैं रामदास अठावले, बहुत दिनों की बात नहीं है, कल की बात है, उन्होंने हरिद्वार में बोला है कि बीजेपी के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, जो आना चाहे वो हमारे यहाँ आ जाए और जो नहीं आना चाहता है उसके लिए जेल के दरवाजे खुले हुए हैं, और एक केंद्रीय मंत्री ये कह रहा है। तो ये आपको लगता नहीं है कि ये कहीं ना कहीं उस बात को हवा दी जा रही है कि आप लोग जो कह रहे हो हम पाक साफ है, ईडी भेजते नहीं, खुद ईडी काम करती है, ये क्या है? जब आपका एक मंत्री ऐसा बोल रहा है तो क्या मैसेज आएगा इसका? रामदास अठावले जी क्या बोलते हैं वो उनका व्यक्तिगत है और उनका है, वो आपके मंत्री हैं, वो आपकी सरकार के मंत्री भले हो पर वो उनका वो आधिकारिक वक्तव्य नहीं, उन्होंने अपने व्यक्तिगत उसपे बोला है, उसकी स्पष्टीकरण वो ही देंगे क्यों बोला किसने बोला। लेकिन आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता है तो उसकी अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उसकी जवाबदेही तो बनती है। पार्टी के प्रचार के लिए गए थे, त्रिवेंद्र रावत के प्रचार के लिए गए थे वो हरिद्वार, और उसमें देखिए वो भले गए, उन्होंने राजनीतिक मन से तो राहुल गांधी जी ने कितनी गंदी बात कही है, हम प्रधानमंत्री को अजगर बोला है, सांप बोला है, राहुल गांधी बोला है, आपकी पार्टी के नेता ने क्या कहा है आप उसके बारे में बताइए। मैं ये मानता हूं कि अगर उन्होंने कोई अनुशासनिक बात की होगी तो उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही भारतीय जनता पार्टी करेगी। मैंने उनका अभी सुना नहीं है क्या वक्तव्य है, आप कह रहे हैं तो आप, मैं समझता हूं उनको डायरेक्टली उनसे बात करी और पूछे कि आपने किस आधार पर इस प्रकार की बात करी, मुझे स्टेटमेंट सुनवा दीजिए, मैंने सुना भी नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बार बार कहते हैं कि सब वॉशिंग मशीन, देखिए इनको जो है कलंकित करने में वहां का वातावरण था, कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार भ्रष्टाचार का वातावरण था, वहां पे हर मंत्री को भ्रष्टाचार करने का एक एसओपी था, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इतना पैसा कलेक्ट करके लाइए पार्टी को, भ्रष्टाचार कराया। लेकिन जिन मंत्रियों को आपने अपनी पार्टी में लिया है तो चाहे दबाव में किया हो या जैसे भी किया हो, भ्रष्टाचार तो किया ही, तो वो यहाँ आते ही पाक साफ कैसे हो जाते हैं? ये सवाल तो कांग्रेस लगातार उठा रही है, विपक्ष लगातार उठा रहा है। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। नंबर एक, कोई भी ईडी का केस उनके अगेंस्ट जो है कैंसिल नहीं किया गया, कोई भी ईडी का केस नहीं किया गया। दूसरा, हो सकता प्रफुल्ल पटेल के केस में सीबीआई ने क्लोजर दे दिया है। नहीं, मुझे
मुझे आप ये बताइए कि आप लोग औरों के भी तो नाम ले रहे हैं, छगन भुजबल का नाम ले रहे हैं, आप ले रहे हैं अजीत पवार का नाम ले रहे हैं, प्रताप सरनायक का नाम ले रहे हैं। चलिए नहीं, आज हम कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं तो शिशिर जी से पहले पूछते हैं कि शिशिर जी, आपने वादे तो बहुत सारे कर दिए, चलिए ये आपने जो अपना मैनिफेस्टो दिया है, इतनी न्याय की बातें हो रही हैं, इतनी गारंटी हो रही है, तो ये जो आपने वादे किए हैं, ये जो फ्रीबीज की बात कर रहे हैं, ये होगा कहां से, फंड कैसे होगा, कहां से ले आएंगे? सबसे पहले तो मुक्ता जी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे कह रहे थे कि बंदर घुड़की से डरने वाले नहीं। बेसिकली किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो कोई बंदर घुड़की नहीं होता मुक्ता जी, इन्हें बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इनको बेसिक जानकारी में होनी चाहिए कि सारी पार्टियां अपने क्या काम वो करेगी, देश की जनता के बीच किस प्रकार के योजनाएं वो लाएंगी, कौन कौन सा काम करेगी, उसका एक जो है वो खाका रखा जाता है लोगों के बीच में, वो कोई बंदर घुड़की नहीं होती, ये सारी पार्टियां रखती है और अपने अपने रूप में रखती है, जिसको जिस हिसाब से वो करना होता है। तो कांग्रेस ने न्याय पत्र के रूप में अपना घोषणा पत्र रखा है, इस बात की स्पष्ट जानकारी हमारे बीजेपी के बंधुओं को होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई डराने धमकाने और भरमाने की बात नहीं है। मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूं। सवाल क्या है कि आप अभी जो देख रहे हैं, जिस प्रकार का इस जो ये बड़े कैपिटलिस्ट है, अडानी अंबानी जैसे कैपिटलिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटलिस्ट है, मैं इलेक्ट्रॉनिक कैपिटलिस्ट कहूंगा उनको, जिस प्रकार का केंद्र सरकार के द्वारा गलत तरीके से उनकी कर्ज माफी हो रही है, उनका बेल आउट पैकेज उनको मिल रहा है, उनको मतलब उनके कह लीजिए कि पूरे ब्याज की माफी हो जा रही है, तो इस प्रकार से देश को कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है मुक्ता जी, इस बात का अंदाजा आपको होगा। और हमारे घोषणा पत्र में उस बात की चर्चा है, हमारे घोषणा पत्र में चर्चा है कि इस प्रकार से जो केंद्र सरकार क्रॉनिक कैटलिस्ट को पाल रही है, और आपको पता है मुक्ता जी कि जो टैक्स का स्लैब होता है, जो पश्चिमी जो विकसित देश हैं विश्व के, उसमें 70-30 का जो रेशियो होता है वो टैक्स का अलग अलग, जैसे 30% टैक्स ही वहां जनता से लिया जाता है और 70% जो टैक्सेस हैं वो बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट हैं उनके संपत्ति कर से लिए जाते हैं। भारत में बिल्कुल उलट है, भारत में 70% टैक्स जो है वो इस देश की आम जनता देती है और 30% टैक्स जो है ये बड़े बड़े क्रॉनिक कैपिटलिस्ट देते हैं। तो हम इसमें बदलाव लाएंगे, हम उन चीजों पे लगाम लगाएंगे और वो जो वहां से जो फंड्स जनरेट होगा उससे हम कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेंगे। और जो हमारे मैनिफेस्टो में सारे विरोधाभास भी हैं आपके मैनिफेस्टो में, जैसे एक तरफ आप कह रहे हैं कि जातियों से ऊपर उठकर बात करेंगे, दूसरी तरफ जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, आरक्षण 50% महिलाओं के लिए, तो ये बताइए जनरल कैटेगरी वाले कहां जाएंगे? नहीं, मैं जरा इसको क्लियर कर देता हूं। बेसिकली संविधान का आर्टिकल 340 शायद आपने पढ़ा हो, उसमें क्लास सेंसस की बात है। जैसे अगर क्लास सेंसस नहीं होगा मुक्ता जी, तो फिर जो कल्याणकारी योजनाएं लागू होनी चाहिए, किसको कितना किस हिसाब से मिलना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा? तो क्लास सेंसस जो है वो संविधान का पार्ट, और उस संवैधानिक व्यवस्था को कांग्रेस में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि भाई हम संविधान बचाने वाले लोगों में हैं और ऐसे लोगों से संविधान बचाने की कोशिश करेंगे या संविधान को बचाएंगे जो लोग संविधान की लगातार धज्जियां उड़ा रहे हैं और इन वर्तमान की संवैधानिक व्यवस्था पे इनका जो है वो भरोसा नहीं है और बार बार वो संविधान व्यवस्था को बदलने की बात करते हैं। तो हम तो संवैधानिक बात कर रहे हैं, हम आर्टिकल 340 की बात कर रहे हैं, कोई अलग से हमने व्यवस्था की बात नहीं की है, संविधान में व्यवस्था है। नहीं तो आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप इस बात को देख सकती हैं, आर्टिकल 340 में क्या प्रावधान है, क्लास सेंसस का प्रावधान है कि नहीं, और कांग्रेस पार्टी वही क्लास सेंसस की बात कर रही है। मुकेश जी कांग्रेस की 5 न्याय 25 गारंटी वर्सेस मोदी की गारंटी,
देखिए मोदी जी की एक ही गारंटी इनकी 25 गारंटी पर भारी पड़ेगी, वो तो 5 गारंटीज की बात करी, और देश की बागडोर जो है प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में है, और 2024 के अंदर भी जो ये नारा लग रहा है इसकी बार 400 पार, तो एक ऐसी गवर्नमेंट आने वाली है जो कि अभी तक बुनियाद रखने में मसरूफ थी, और अब उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर बनने वाला है वो मोदी जी के अपने उन्होंने प्रबोधन में कहा कि ये तो अभी ट्रेलर है, अभी आगे आप देखते जाइए। दिक्कत ये हो गई है कि भ्रष्टाचारी लोग घबरा गए हैं क्योंकि उनका भ्रष्टाचार का उजागर हो रहा है, और जब न्याय प्रक्रिया की बात आती है तो ये सारी एजेंसी को गाली देते हैं, इंक्लूडिंग मीडिया को गाली देते हैं, आपको भी गाली देते हैं कि ये भी मीडिया भी बिक चुकी है, तो ये इनका ये अपने अपने काले कारनामों को छुपाना चाहते हैं। तभी बेल पर राहुल गांधी जी आउट है नेशनल हेराल्ड के केस में, इनके तमाम लोग जो हैं वो पहले कार्य ऐसा कर चुके हैं, अब मोदी जी उनको उठा करके बाहर लेकर के आ रहे हैं, इनको 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 इसकी तकलीफ हो रही है, तो वो नहीं चाहते कि ऐसा ही शक्ति आ जाए यहाँ पर जो कि हमारे किए हुए तमाम कारनामों को उजागर कर दे। और मोदी जी का देखिए, तो मोदी जी बिजली नहीं होते, आप उन पे पत्थर फेंकिए वो जो है उसका एक भव्य भवन बना देंगे। किस प्रकार राहुल गांधी जी ने कहा था चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, अंततः उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अनकंडीशनल माफी मांगी। तो राहुल गांधी जी का जो है जिस प्रकार से राम को काल्पनिक कहा, तमाम ऐसी ऐसी बातें करें, सनातन को गालियां दे रहे हैं इनके अलायंस के पार्टनर, तो ऐसी आप कौन सी देशभक्ति कर रहे हैं, आप कौन सी नफरत की बाजार में आप मोहब्बत की दुकान बांट रहे हैं, आप तो नफरत बांट रहे हैं, आप तो प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं। आप ये तो बताइए कि मोदी जी 24 घंटे काम करते हैं, आपको मैं बता दूं दिवाली होली जो है वो थाईलैंड में नहीं मनाते हैं, वो जाकर के सरहदों में सिपाहियों के साथ और सेनानियों के साथ मनाते हैं, तो ये तो मनोबल वो देते हैं, और राहुल गांधी उधर मनोबल को कम करने में लगे हुए। इनके पास मुझे बताइए एक भी मुद्दा इनका कामयाब हुआ, इन्होंने अडानी का वो अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं आती तो इनका स्वच्छंद शोध क्या था, इनका कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन था? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के इन्होंने पूरे देश के अंदर पार्लियामेंट को पैरालाइज कर दिया। राहुल गांधी जी की अटेंडेंस कितनी है पार्लियामेंट के अंदर, जरा मुझे बताइए, एवरेज से बहुत नीचे है ये तो पार्लियामेंट के प्रति ये तो इनका इनका समर्पण है। तो मतलब आपका 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 जो चरित्र है वो लोग दुनिया देख रही है, आप कहने को कुछ भी बोल दीजिए, बोलने को क्या जाता है, बोलने को कोई टैक्स थोड़ा लग रहा है, लेकिन आप उनको कार्यान्वित करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या विश्व नेता आपकी देश के अंदर है कि नहीं है, आपकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, जनता आपको गंभीरता से लेती नहीं है, मोदी जी जो भी गारंटी कहते हैं उसको जनता गंभीरता से लेती है। तभी 2014 में मैं समझ सकता तो हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी यूपी के खिलाफ हो, लेकिन 2019 में 303 आए वो प्रो इनकम्बेंसी थी, तो इसका और अभी तो डबल और ट्रिपल प्रो इनकम्बेंसी चल रही है, जिस प्रकार से कांग्रेस के काले करतूत दुनिया के सामने नजर आ रहे हैं। अब आप मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आप कोई ठोस तो काम करिए, कोई ठोस शोध करते नहीं है। फिर इसके बाद आइए जाति जनगणना को लेकर के, वो तो नितिन वहां पर जाति जनगणना 50 आप लोगों ने 50 साल से ज्यादा राज किया है शिशिर जी, तो वर्सेस 10 साल तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? आज ये सारी चीजें कह रहे हैं, आपने तो इतने साल राज किया है। मुक्ता जी पहले अपने बीजेपी के बंधु जो बता रहे थे मैं उसकी बात को कर लूं, मैंने उसके लिए आपसे इजाजत भी मांगी थी, आपने कहा था 2 मिनट के बाद समय देंगे, तो मैं उसको जरा एक्सप्लेन कर लूं, उसके बाद आपके सवाल पे भी आऊंगा। बेसिकली क्या है मुक्ता जी कि अभी बीजेपी के बंधु भ्रष्टाचार, इनके पास कोई इश्यूज नहीं है, बेसिकली भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। जरा याद कीजिए अजीत पवार जी के मामले में 70,000 करोड़ का स्कैम, देश के प्रधानमंत्री 2 दिन पहले अजीत पवार जी के ऊपर वार करते हैं और वो देश की जनता के सामने बताते हैं कि भ्रष्टाचारी जिन्होंने 70,000 करोड़ का स्कैम किया है उनको बख्शे नहीं जाएंगे। क्या हुआ मुक्ता जी, 2 दिन के बाद अजीत पवार जी महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम बनते हैं बीजेपी के सहयोग से, और वो जो है सारी भ्रष्टाचार की फाइलें बंद हो जाती हैं। प्रफुल्ल पटेल जी जो है वो अभी सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट लगी है उनकी। अब चले जाइए इनके मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत विश्व शर्मा जी, जरा उनके बारे में भी जो है वो जानकारी लोगों को है। अभी वेस्ट बंगाल की बात ये बंधु कर रहे थे, वेस्ट बंगाल में मुकुल राय जी और शुभेंदु अधिकारी जी, ये तमाम लोग ऐसी लंबी फेहरिस्त है, मैं नारायण राणे और तमाम लोग जो भारतीय जनता पार्टी में और अभी तो रामदास के बारे में बात करने के लिए यहां बैठे, तो हम चाहते नहीं कि हम इसमें वक्त गवाएं।
मैं केवल ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि क्या वो किस प्रकार का डिटर्जेंट रखते हैं कि वो धुल जाते हैं भ्रष्टाचारी और उनकी गोद में समा जाते हैं और वो पाक साफ हो जाते हैं। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं इस देश की जनता से और भारतीय जनता पार्टी से कि क्या इस देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, ये देश की जनता तय करेगी कि इतने क्या इस देश के प्रधानमंत्री झूठे हैं, उनका उनका ये कथन जो पब्लिकली आया है क्या वो झूठ बोल रहे थे इस देश की जनता के सामने? चलिए अब ये क्योंकि वक्त की कमी है इसलिए हमारे पास ज्यादा समय नहीं कि हम इतनी पूरी बातें कर पाए। अब हम चलिए मैं अपना अगला सवाल भी आपसे ले लेती हूँ कि मैनिफेस्टो तो आ गया लेकिन उसे लोगों तक पहुंचाना, उसे समझा पाना एक बड़ी चुनौती होती है, वक्त कम है, तो आपकी आगे की स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे आप लोगों तक इसे पहुंचाएंगे? देखिए मुक्ता जी, जो छोड़कर पार्टी जा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस इन्हीं चीजों में कमजोर पड़ जाती है और फिर वो सुस्त पड़ गए हैं, सुस्त पड़ गई है पार्टी और इसलिए वो छोड़कर जा रहे हैं पार्टी। जो छोड़ करके जा रहे हैं मैं उनके बारे में भी बता देता हूँ कि जो विचारधारा के साथ छोड़ के गए उनके बारे में बात मत करिए। मैं नहीं, आपने पूछा इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा था, आपने पूछा इसलिए, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ आपने जो सवाल किया है तो हमारे एक एक कार्यकर्ता, आपको पता है हमारे यहाँ वॉर रूम है और वो वॉर रूम बूथ लेवल स्ट्रक्चर तक को मॉनिटर कर रही है और वहां तक हमारे कार्यकर्ता लगे हैं बूथ तक और वहां पे एक एक लोगों के सामने उस मैनिफेस्टो को बाकायदा हैंडबिल के रूप में तो दिया ही जाएगा, सोशल मीडिया और बाकी घर घर जाकर के कार्यकर्ता जो है वो अपने मैनिफेस्टो को देश की जनता के सामने पहुंचाएंगे और देश की जनता ये तय भी करेगी उस मैनिफेस्टो को देख करके कि किस प्रकार उनके साथ अन्याय इस देश की सत्ता जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कर रही है और उसके उनके लिए इस देश की जनता के लिए कांग्रेस पार्टी ने न्याय पत्र जो है प्रस्तुत किया है और हम इस हिसाब से हमारा घोषणा पत्र है, हमारी सरकार अगर आएगी तो इस हिसाब से हम काम करेंगे। मुकेश जी बहुत ही संक्षेप में क्योंकि वक्त की कमी है, क्या मैनिफेस्टो से इलेक्शन जीता जा सकता है? क्योंकि आप लोग हमेशा ये दावे करते हैं कि हमने जो भी मैनिफेस्टो में कहा था हमने वो सारे वादे पूरे किए हैं, तो आज आप क्या कहेंगे, क्या मैनिफेस्टो से इलेक्शन जीता जा सकता है या लीडरशिप या इमोशन भी मायने रखता है? नहीं, मैनिफेस्टो से बिल्कुल नहीं जीता जा सकता क्योंकि अगर मैनिफेस्टो में आपकी नियत पब्लिक के सामने मालूम है कि आपकी नियत कुछ नहीं है सिर्फ बोलने की है तो उनसे बल्कि उल्टा गलत प्रभाव पड़ेगा, इनके ऊपर उल्टा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इनकी जो छवि है वो नेगेटिव है। अब ये बात कर रहे प्रफुल्ल पटेल की, अरे भाई अप्रैल 19 को केस आ रहा है, आप केस में लड़िए, क्या दिक्कत क्या है मुक्ता जी? ये लोग आकर के स्टूडियो में बहुत चिल्लाते हैं लेकिन कानूनी कार्यवाही नहीं करते हैं, ये किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नहीं करते हैं, ये वह निष्क्रिय पड़े रहते हैं बाहर। लेकिन अब जैसे आतिश जी ने ब्लेम लगाया, अब आतिश जी फॉलो करते हैं, आप जाइए प्रफुल्ल पटेल की कौन सा रिपोर्ट गलत है उसके आपके पास तथ्य हो उठाइए, तो ये जो इस प्रकार पास कोई दम है नहीं। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं, ये संक्षिप्त में बता रहा हूं, बार बार कहते हैं भ्रष्टाचारियों को हम लेते हैं, देखिए भ्रष्टाचार उस समय उनको किस वातावरण में कराया गया, पल्सन में कराया गया, आज वो आकर के हमारी पार्टी के अंदर प्रायश्चित करना चाहते हैं और एक नई जिंदगी करना चाहते हैं, तो ये फर्क है। भारतीय जनता पार्टी किसी को नहीं छोड़ा, उसकी पार्टी में क्यों ना, अगर भ्रष्टाचारी कोई है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो संदीप जी चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल जो मैंने इनसे पूछा था कि क्या आपको लगता है कि मैनिफेस्टो से इलेक्शन जीता जा सकता है या फिर लीडरशिप भी मायने रखती है? देखिए लीडरशिप मायने रखती है बिल्कुल, लेकिन मैनिफेस्टो एक ऐसा जरिया है जिससे आप बता सकते हैं अपने वोटर्स को कि हमारा ये विजन है और हम ये चीज़ें आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए हम ये कर रहे हैं, श्रमिकों के लिए ये कर रहे हैं, नारी के लिए कर रहे हैं, हमारा इकोनॉमिक जो दृष्टिकोण है ये है, इस तरह हम इकोनॉमिकली देश को बढ़ाएंगे। तो मैनिफेस्टो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन उसके साथ मैं एक राइडर लगाऊंगा कि ये मैनिफेस्टो इसको लोगों ने अब सीरियसली लेना बंद कर दिया है, चुनावी वायदे के रूप में देखते हैं। जिस दिन इस मैनिफेस्टो को पत्थर की लकीर मान लिया पार्टियों ने और उनको फॉलो करके उनको मैक्सिमम जो उन्होंने घोषणाएं की हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करने लगेंगे, उस दिन से मैनिफेस्टो का और मान बढ़ जाएगा। क्योंकि आप देखिए कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बाकी जो पांच चीज़ें, गरीब, युवा, महिला, बेरोजगारी, किसान, ये सब बातें की, लेकिन इसमें जो युवाओं और बेरोजगारी की बात की है कहीं ना कहीं ये बड़ा महत्व रखता है, तो आपको लगता है कि इसका फायदा इनको मिलेगा क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा तो है ही आज की डेट में? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि भ्रष्टाचार और बेरोजगारी ये दो मुद्दा
कांग्रेस ने पकड़ा है शुरुआत से, और जैसा कि इन्होंने कहा भी है कि हम 30 लाख नौकरियां देंगे, प्लस ग्रेजुएट जो लोग होंगे उनको हम अप्रेंटिसशिप देंगे उनके, और 1 लाख रुपए देंगे। अप्रेंटिसशिप का फायदा यह होगा कि जैसे ही वो अपना ग्रेजुएशन खत्म करते हैं किसी फैक्ट्री में, उनको टेक्निकल नॉलेज मिलेगा जिस बेस पे वो नौकरी लेंगे। ये चीज़ें तो बहुत अच्छी लगती हैं मुक्ता जी दूर से देखने में, लेकिन क्या ये अमल हो पाएगा? इतने पैसे कहाँ से लेके आ पाएंगे? ये शिक्षा नीति में संशोधन करने की बात करें और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की है, तो देखते हैं मैनिफेस्टो है उस पे कितना। जैसे आपने कहा कि ये चीज़ें देखने पढ़ने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन कितनी अमल हो पाएगी ये देखने वाली बात है। तो फिलहाल आज के शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।